जैकल की वन की जी, जय श्री कल्याण जी। कल्की मंडल के आदि गुरु गुरुवर बालुंगन जी मिलो, मिलो। के बारे में आप थोड़ा हमें बताइए, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, कौन थे, क्या थे, उनके बारे में बताइए। जैसा कि गुरुवर बालुंगन जी के बारे में गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी महाराज ने मेरे पिताजी को बताया और जो अपनी किताबों में लिखा उसके अनुसार उनके बारे में इतना पता लगता है कि वह अलीगढ़ के बिलासपुर ग्राम में रहते थे, कृष्ण भगवान की भक्ति किया करते थे। एक बार अनुभव में कृष्ण भगवान उन्हें दिखे और उन्होंने कहा, भाई हनुमान, मैं पूरे ब्रह्मांड का महाविष्णु हूँ, अब जागृत हुआ हूँ, तलवार संभाली है, दुनिया को देखूँगा, कल की अवतार लेने के संकल्प की घोषणा तुम मेरी करो, मैं कल की अवतार ले लिया है मैंने और दिल्ली मेरा लीला स्थल होगा, दिल्ली जाओ आप और दिल्ली में कल की मंडल बनाओ। तो वह उनके आदेश का पालन करते हुए दिल्ली आ गए। दिल्ली में सीताराम बाजार पूछा पातीराम की नई बस्ती गली में उन्होंने कल्की मंडल की स्थापना लगभग 1873 के आसपास की। वह हनुमान जी की सी गदा हाथ में लेके दिल्ली की गलियों में ऐलान किया करते थे, क्योंकि आपको पता ही है हमारी कल्की दिग्विजय नाटक में भी उसका उल्लेख किया गया है, जहाँ कहीं देखो असुर को कर जो तुम हनुमान, शीघ्र प्रकट होकर करूँ दुष्टों का घमसान, निर्गुण मुझको जान गए करे असुर अभिमान, धर्म विरोधी पात्री हो बैठेंगे प्राण। अपनी भक्त मंडली उनकी थी जिसमें वह उन लोगों को ही एंट्री देते थे जो अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजों अंग्रेजियत या पाश्चात्य संस्कृति से बैर रखते थे। उन्होंने गुरु लक्ष्मीनारायण जी महाराज को तभी अपनी बैठक में दाखिला दिया जब उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई छोड़ दी। एक हमारे म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी हैं जिनका शहीद पूरा हो गया है, उनके पिताजी थे कन्हैया लाल जी, वो हमारे गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी महाराज के समकक्ष थे, उनकी उम्र के थे, उनको भी बैठक में आने का था मगर वो अंग्रेजी शिक्षा नहीं छोड़ पाए, बोले कि मेरे पिता इसके लिए मुझे सहमति नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे, तो वो वाल्मीकि जी की बैठक में नहीं पहुँच पाए, क्योंकि पूर्व जन्म में अत्रि ऋषि के अवतार थे। भाव क्या है कि बड़े से बड़े ऋषि भी यदि अंग्रेजी भाव में ग्रसित हैं तो वो हनुमान जी महाराज को समझ नहीं सकते, वह उन्हें कहीं ना कहीं कम करके आंकेंगे। हनुमान जी महाराज ने जो जीवन में अपनी तपस्या करी वो दुर्लभ है। उन्होंने जब कल्की कल्की किया था तो उस समय में कलयुग इतना विकराल था, इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि वो कहता था कि भाई बालमुकुंद, अगर तुमने कल्की नाम नहीं छोड़ा तो तुम्हारा ये पुत्र ले जाऊँगा, क्या ले जा, मैं कल्की नाम ही छोड़ूँ। इस तरह उसे उन्होंने अपने 9 पुत्रों का बलिदान किया, जो कि आज की तारीख में असंभव है किसी भी भक्त को कोई अनुभव आ जाए कि भाई या तो कल्की नाम छोड़ दे नहीं तो तेरे बच्चे की डेथ हो जाएगी, अब वो डेथ हो जाए तो वो अगली बार कल्की नाम को मुंह में धारेगा भी नहीं। मगर उन्होंने दृढ़ता से वो कल्की कल्की किया, उसी की वजह थी कि गुरु लक्ष्मीनारायण जी महाराज ने क्रांतिकारी कार्य को छोड़ के महाक्रांतिकारी श्री कल्की भगवान का दामन पकड़ा और फिर उसमें देख लिया कि लोग कहते हैं कि मुद्दस्य कल्की वाले कल्की कल्की न जाने क्यों रटा करते हैं, क्या पता उनको इस नाम की दोधारी से धर्म के दुश्मन कहीं भी हो कटा करते हैं, ये उन्होंने अच्छी तरह देख लिया। इसलिए उन्होंने महाक्रांतिकारी खोज कल्की भगवान की एक लेख भी लिखा है और वाल्मीकि जी महाराज को उन्होंने हनुमान जी का अवतार बताया और उनके लिए 2 भजन 45 भजनों में लिखे, गुरु बालमुकुंद गदाधारी जय हो तुम्हारी जय हो, कल्की अवतार के प्यारे संदेश सुनावन हारे, मन प्राण में बसो हमारे जी जय हो तुम्हारी जय हो, कल्की के नाम प्रचारक सतगुरु संसार सुधारक तुम ब्रह्म विभव के धारक जी जय हो तुम्हारी जय हो, जिसको यह दुनिया तरसे बजरंग छटा मुख बरसे तक कृपा बिना नहीं दरसे जी जय हो तुम्हारी जय हो, गज भरसी चौड़ी छाती उज लंडन प्रभा लगाती सुर संतन के चिर साथी जी जय हो तुम्हारी जय हो, मृगराज ठवन सुखकारी आशा की गिरा उचारी हृदय अंधकार अपहारी जी जय हो तुम्हारी जय हो, घट में कल्की जी जागे धक धक लपटे सी लागे लखी अघ अगुण गण भागे जी जय हो तुम्हारी जय हो, तब कंचन वरण सुहाना जा रुद्र रूप भय भाना अकलंकी तेज समाना जी जय हो तुम्हारी जय हो, आगे कल्की की भक्ति पीछे नाम की जोत लहकती पीछे कल्की की शक्ति जी जय हो तुम्हारी जय हो, लखी हाथ में गदा तुम्हारे आशा उमंग को धारे सुंदर मुनि भय सुखारे जी जय हो तुम्हारी जय हो, वंचिती करी हमारी कलयुग की जड़े पजारी ले कल की नाम अंगारी जी जय हो तुम्हारी जय हो, भाई प्रकट नाम की ज्वाला न मंडल डोला आला जब तुमने किया कसाला जी जय हो तुम्हारी जय हो, जिनके घट के पट खोले वे कल की जय बोले वे नहीं कहीं भी डोले जी जय हो तुम्हारी जय हो, संशय सागर से त्राता ये सत्य विश्वास के दाता नूतन जीवन निर्माता जी जय हो तुम्हारी जय हो,
हनुमान बलि को दिहावे, हम सम्मिल शीश झुकावे, अंगद से दृढ़ता पावे, जी जय हो तुम्हारी जय हो। हे सब समर्थ सब लायक, हे जग दुर्लभ सुखदायक, कल की मंडल के नायक, जी जय हो तुम्हारी जय हो। बाल मुकुंद गदाधारी जय हो तुम्हारी जय हो। इन बातों को पढ़ने के बाद कोई संशय नहीं रहता कि वह हनुमान जी महाराज थे। अतुलित बल धामम, स्वर्ण शैला विधेयम, धनुज वन कृषानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। जो कार्य उन्होंने सतयुग में किया, त्रेता में किया, द्वापर में किया, उससे हजारों गुना काम वो गुरुवर बालमुकुंद जी के रूप में कर गए, वही समझ सकते हैं। जो आज जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते की सामूहिक पुकार में जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते कर रहे हैं और उसका समर्पण करके भगवान से कह रहे हैं, हे कलयुग महान महा सतयुग सहित प्रकट हो जाइए, कलयुग की माया में समाप्त करके सतयुग सहित प्रकट हो जाइए, गौ ब्राह्मणों की रक्षा। जी हमने ये बात एक सुनने में आती है कि कहते हैं हनुमान जी महाराज के वो आवेश अवतार थे गुरुवर बालमुकुंद जी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पिता से आपको जो सत्संग मिला और जो आपने सब कुछ देखा, इससे आप क्या कहना चाहेंगे कि आवेश अवतार थे या वो अवतार थे? आवेश अवतार का मतलब होता है कि किसी के शरीर में हनुमान जी का आवेश आ जाए। ऐसे आवेश मेरे नाना जी के शरीर में आते थे। मेरे नाना जी लाला प्रेमचंद भोसगी वाले थे, कटरा नवाब में उनकी दुकान थी, नवल्टी के पीछे कुएं वाली गली में रहते थे। जो लोग उन्हें अंतरंग रूप से पहचानते थे वो समझते थे उन्हें हनुमान जी का आवेश आता था। हनुमान जी के आवेश आने के बाद वो जो बोलते थे वो सब सच हुआ करता था। उन्होंने एक बार कहा था अपनी पत्नी के लिए, जो मेरी नानी थी, जो मेरी माँ के बचपने में चली गई थी, कि पत्नियों के हाथ जाएगी, तेरे आखिर में जो तेरा शरीर है ना उसे भंगी उठाएंगे, ऐसा बोला था उन्होंने। क्योंकि वो बड़ा शोध करती थी, बड़ी साफ सफाई से रहती थी, वो बात सच हुई। वो आवेश है, वो हनुमान जी का आवेश है। ऐसे आवेश जो लोग स्वच्छता से रहते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, उन्हें आ सकता है। मगर वो तो स्वयं हनुमान जी थे और उन्होंने इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए लिखा है, कलकी के रूप में निमग्न शिवासा रहत, कलयुग की जड़ पे कुठारा घातकारी। ये दूसरा उनका पत्र है 45 भजनों में, आप वो पढ़ सकते हैं। अगर किसी को अभी भी शक होता है कि वो अवतार थे आवेश अवतार थे, उसको क्या करना चाहिए? उसका एक तरीका है, वो मंगल के दिन और शनिवार के दिन जोत जगा के ये जो दो भजन है, गुरु बालमुकुंद गदाधारी जय हो तुम्हारी जय हो, और कलकी के रूप में निमग्न शिवासा रहत, कलयुग की जड़ पे कुठारा घातकारी है, ये पढ़ें। और जय कलकी जय जगतपते के कम से कम 27 बार मंत्र जपें, और उससे अधिक जितना करेंगे तो उतनी जल्दी उन्हें हनुमान जी महाराज पर्चा देंगे। ऐसा असंभव है कि वो पर्चा न दें। शुक्रिया जी, जय कलकी भगवान की। जय श्री कृष्ण।